Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @thedaycookcrispies123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm again at the park in by Radisson and I'm here for the breakfast buffet with my sister. और सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें ट्राई करूँगी. यहाँ पे पूड़ियाँ भी आई हुई है, मेरी सिस्टर ने मंगवाई है लाइफ काउंटर से और उसे ये पेयर करेगी डोसे वाले आलू के साथ. काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आलू इनके चटपटे होते हैं एकदम. मगर मैं तो ये सब चीज़ें ट्राई करूँ पहले. बेकरी आइटम्स है ये बेसिकली और ये है वेज कोल्सलो सैंडविच. बहुत यमी होता है यहाँ का ब्रेड, सॉफ्ट है और इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्टफिंग डली हुई है वेजिटेबल्स की. तो हैश ब्राउन के साथ ना मैं इसके एक सैंडविच बनाने वाली हूँ. नाउ दिस इज़ लाइक अ टिक्की सैंडविच. वैसे आप हैश ब्राउन को अलग से भी खा सकते हो. इस सबको मैं पेयर करूँगी कॉफ़ी के साथ. आई हैव ऑप्टेड फॉर लाटे. आप चाहो तो एस्प्रेसो कैपेचिनो भी मंगवा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम द सैंडविच हियर आई हैव द ग्रिल्ड टमेटो और यहाँ पे बेक्ड वेजिटेबल्स. कॉसो रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा दिख रहा था इसलिए मैं ले आई. यूजुअली अच्छा नहीं होता यहाँ का बट आई थिंक आज अच्छा लगेगा. यहाँ पे डोसा पट्टी समोसा, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी है मेरी प्लेट में और मैं एक्साइटेड हूँ सब कुछ ट्राई करने के लिए. पहले ये सैंडविच ही ट्राई कर लेती हूँ. ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, टिक्की क्रिस्पी है. टोटली लविंग इट. हैश ब्राउन थोड़ा और क्रिस्पी हो सकता था मगर क्योंकि बने रखे थे ना तो ये थोड़ा सा सॉगी हो गया. आई गेस जब ये इनका बैच रीफिल करेंगे ना और एकदम क्रिस्पी वाले बन के आएंगे किचन से तब मैं दोबारा लेकर आऊँगी अपने लिए. अब कॉफ़ी भी ट्राई कर लेती हूँ. टू गुड ना मैंने ट्राई था खुश हूँ. काफ़ी क्रिस्पी एंड फ्लेकी लग रहा है. जस्ट लुक एट दैट लवली गोल्डन कलर. इसको ना बेक्ड वेजिटेबल से भी पेयर कर सकते हो. पहले मैं इसे ऐसे ही ट्राई करूँगी. अच्छा तो है ये मगर ना बहुत ज़्यादा बटरी है. लिटरली बटर ऊज आउट कर रहा है इसमें से. तो आपको ये अच्छा लगेगा अगर आप ज़्यादा बटर खाते हो तो. मैं तो प्रेफर करती कि थोड़ा कम होता है इसमें तो सही लगता. मगर चलो ऐसे भी ठीक है, बेक्ड वेजिटेबल्स के साथ भी ट्राई कर लेती हूँ. बाय द वे बेक्ड वेजिटेबल्स में इन्होंने इसमें ब्रोकली, मशरूम और जुकिनी डाल रखे हैं. आई कैन ऑल्सो सी सम कैरेट्स इन इट. अनदर बाइट. भले ही बटर कुछ ज़्यादा ही है खसों में, एक बात माननी पड़ेगी कि अच्छा लग रहा है हर बारी से. आई गेस इन्होंने नया बेकरी शेफ़ रख लिया है. दीज आर क्वाइट गुड. मैं इसे दोबारा लाती बट इट इज़ क्वाइट हैवी इसलिए मैं लाऊंगी नहीं. नाउ आई एम गोना ट्राई द डोसा पट्टी समोसा. ये स्टार्टर यहाँ पे यूजुअली होता है, काफ़ी अच्छा लगता है. इसकी जो आउटर लेयर होती है ना वो डोसा से बनती है और स्टफिंग भी इसकी डोसे के आलू वाली होती है.
काफ़ी अमी है। स्टफिंग ना कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी हो गई, मगर चलो चल जाएगा। सैंडविच का भी एक बाइट ले लूँगी बीच में, जिससे कि स्पाइस थोड़ा बैलेंस हो जाए। सो यार गाइस, नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट यू विद समथिंग एल्स। Now I'm gonna try some more food. I've got some things from the South Indian section. Dosa मैंने Life Counter से order कर दिया है और यहाँ पर है मेरे पास tomato rice. This is the vermicelli upma और ये है uttapam. Uttapam बना रखा था, आप Life Counter से भी मंगवा सकते हो, customize कर सकते हो toppings. मगर इसके अंदर tomato है, onion है और थोड़ी सी coriander leaves है. सबसे पहले मैं tomato rice try करूँगी, मेरी sister के तो favorite है ये. दीज आर क्वाइट गुड, बहुत ही डेलीकेट सा फ्लेवर है इनका, टैंगी बिल्कुल नहीं है. बिकॉज ना टमेटो के पीसेस उसमें हैं तो, मगर बहुत सारे नहीं हैं और ग्राइंड करके नहीं डाल रखा है टमेटो को. चावल भी अच्छे से पका हुआ है, खिला खिला एकदम. घी में बना रखा है इन्होंने, इसे परफेक्टली कोट कर लिया घी ने राइस ग्रेन्स को, इसलिए इतना अच्छा शाइन आ रहा है. यहाँ पर डोसा भी आ गया है और ना बहुत ही अलग तरीके से बनवाया आज मैंने डोसा. दिस इज़ द बटर मसाला डोसा. यूजुअली यहाँ पे बटर मसाला डोसा का ऑप्शन नहीं होता है, मगर आप इन्हें बोलोगे ना कि बटर में बनाना डोसा तो ये बना देंगे. मैंने ना जगरनॉट एक रेस्टोरेंट है मेरे ऑफिस के पास, वहाँ ट्राई किया था बटर मसाला डोसा, तब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज़ सुपर हॉट बाय द वे. टमेटो राइस तो मैंने बीच में ही छोड़ दिए बिकॉज ये डोसा इतना क्रिस्पी आया है. अरे मैंने सिस्टर से तो पूछा ही नहीं अपनी, अच्छा वो मना कर रही है डोसा के लिए. टमेटो गार्लिक चटनी से पेयर कर रही हूँ उससे. बिकॉज मैंने इसे बटर में बनवाया है ना, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है. बहुत ही यम्मी लग रहा है. यहाँ का डोसा तो वैसे ही अच्छा होता है, क्रिस्पी होता है, बटर लगा के इसका फ्लेवर बढ़ गया है. मैं डोसा को जस्ट चटनी से पेयर कर रही हूँ और सांभर वैसे रखा होता है बुफे काउंटर में, मैं लाई नहीं बिकॉज मेरे को सांभर पसंद भी नहीं है इतना. आलू के साथ ट्राई करूँगी थोड़ा. एक बाइट बीट से भी लूँगी. टू गुड. आलू की स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा चटपटी है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया ऐसे बटरी से, क्रिस्पी से डोसा को. थोड़ा सा येलो कलर आ गया डोसा में बिकॉज आलू का कलर भी येलो है, तो इसलिए. जस्ट लुक एट दैट लवली शाइन. सो गाइस, डोसा तो बहुत ही यम्मी लगा मुझे. पहले डोसा को ही खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें ट्राई करके दिखाऊंगी इस प्लेट से. तो डोसा मैंने फिनिश कर लिया है, बहुत ही अच्छा था. नाउ आई एम गोना ट्राई द टमेटो राइस. बहुत ही सिंपल से घी वाले चावल लग रहे हैं ये, जो मम्मी घर पे भी बना देती है. बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर्स हैं इसके अंदर. मस्टर्ड सीड्स डले हैं, पीनट्स डले हैं जो कि मेरे फेवरेट नहीं है, तो पीनट्स को मैं साइड कर दूंगी. अनियन भी डाला इन्होंने, मगर ना बहुत ही कम है अनियन, तो उसका ज़्यादा फ्लेवर आ नहीं रहा है. वैसे तो आप इसे भी सांभर चटनी से पेयर कर सकते हो, आई डाउट इसे भी पेयर करते हो उससे या नहीं, मगर मैं इसे ऐसे इंजॉय करूँगी.
नाउ आई वांट टू ट्राई द वर्मिचेली उपमा. इसके अंदर इन्होंने अलग अलग वेजिटेबल्स डाले हुए हैं. आई कैन सी सम बीन्स इन इट, ग्रीन पीस है, अनियन है और बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर आया इस पर. आई गेस इन्होंने रोस्ट अच्छे से किया होगा इसे बनाने से पहले, इसलिए दीज आर क्वाइट यम. टेक्स्चर अच्छा है इनका, बिल्कुल भी मशीनी हुए. आई गेस इन्होंने ना इसे रोस्टेड वर्मिचली से बनाया, जो कि ऑलरेडी रोस्टेड आती है ना पैकेट में उससे. नाउ आई ट्राई द उत्तपम. ये है अनियन टमाटो उत्तपम. सॉगी हो गया है अब तक तो, बिकॉज बना रखा था और लाए हुए भी टाइम हो गया, मगर मैं लाइव काउंटर से इसलिए नहीं मंगवा रही बिकॉज डोसा भी मंगवाया था, फिर बहुत सारा खाना हो जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा. बट हाँ, यहाँ पर ऑप्शन होता है इसका सांभर चटनी से, आप इसे भी कर सकते हो पेयर. अच्छा है, फ्रेश है, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी है सरप्राइजिंगली. ओह नो, मैं क्या कर रही हूँ, खाना गिरा दिया मैंने टेबल पे अपनी. तो हाँ, अच्छा लग रहा है. इसमें ग्रीन चिलीज होते तो ज़्यादा बेटर लगता, आई मीन बेटर तो ज़्यादा ही होता है. हाँ, तो इसमें ग्रीन चिलीज होते ना अच्छा लगता है ये, पर चलो ऐसे भी सही है. सो नाउ आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट विद समथिंग एल्स. This is all for today's video. Now I'll go back to my room. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys, subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos.